नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूकेपीएससी का एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो ट्रांसलेटर है एडवोकेट जनरल ऑफिसर ऑफिस के लिए, तो हम यहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे लगभग जो है आपके 30 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु वॉज नोन एज मराठा मैकियावेली, मराठा मैकियावेली के नाम से आपका कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका नाना फडणवीस। क्या है? नाना फडणवीस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका कौन था? देखिए, कांग्रेस जो है वो आपका सन 1885 में बनी। एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, और जो बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बद्रुद्दीन तैयब इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस। अगर हम महिला की बात करें, महिला में आपका कौन आता है? महिला में आपका एनी बेसेंट आता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आप बताएं पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, आपको जो है भारतीय महिला के बारे में बताना है जो उसका अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, टिहरी डैम, बहुत इजी क्वेश्चन है। टिहरी डैम जो है वो आपका भागीरथी पर है। कहां पर है? भागीरथी और बिलंगना के संगम पर, भागीरथी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रैगर, रैगर जो है वो आपका काली कपास मिट्टी को जाना जाता है। किसको? काली कपास मिट्टी को, और जो है ये कपास के लिए आपका बहुत ज्यादा आपका क्या होती है, उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बोकारो, ओके, बोकारो कोयला क्षेत्र जो है, बोकारो कोल फील्ड जो है वो आपका कहां पे है? झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका जो है मत्स्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मत्स्य से रिलेटेड है। दुग्ध से जो है वो आपका श्वेत क्रांति यानी जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो आपका संबंधित है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो आपका मछली पालन से, मत्स्य से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, राज्यपाल की भी जाती है, तो इसका सही उत्तर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा के सदस्य जो है अपने में से अपना जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है चुनते हैं। इस समय आपके कौन है? इस समय आपके जो ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, ओम बिड़ला जी इस समय आपके क्या है? लोकसभा के आपके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं, मनी बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी बिल, वित्त विधेयक जो सबसे पहले आपका कहां पे बनता है? वो आपका लोकसभा में बनता है। कहां पे आता है? वो आपका लोकसभा में जो है वो लोकसभा में आपका आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये है आपका जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, भारत संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत एक विषय को राज्य की सूची में आपका जोड़ा गया? ठीक है, तो जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है वो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd जो अमेंडमेंट है, 42वां जो संशोधन है उसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी के हिसाब से जो कुमाऊं है, हमने जो भारत का, सॉरी आपने उत्तराखंड का जो इतिहास आपने पढ़ा हुआ होगा, तो उत्तराखंड के जो आपके, चाहे हम चंद वंश की बात करें या गढ़वाल वंश की बात करें, इनके मुगल वंश के साथ आपके संबंध थे, और इसको किसके अंतर्गत में रखा गया है? इसको आपका दिल्ली सूबे के अंतर्गत में रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा है? सूबा दिल्ली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु को जहांगीर के शासन में मृत्युदंड दिया गया था? तो ये आपके कौन है? गुरु अर्जुन देव। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जो है इसका आपका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है। जो सिखों के आपके कुल मिला के कितने गुरु हैं? सिखों के आपके 10 गुरु हैं। कहां से शुरू होता है? गुरु नानक साहब जी से आपका शुरू होता है, और जो आपके अंतिम जो आपके 10वें गुरु हैं वो 10वें गुरु आपके कौन है, ये आप जो है कमेंट में जरूर आप बताएं। और यहां पर मैं बता दूं, इन्होंने जो तपस्या की थी वो आपका उत्तराखंड में ही की थी, जो 10वें गुरु हैं। ठीक है, कहां पे? हेमकुंड साहिब में जो है वहां पर इन्हें तपस्या आपकी की थी, 10वें गुरु ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट पिथौरागढ़ टू तिब्बत। पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन जोड़ता है? भाई लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और लिपुलेख ऐसा दर्रा है जहां पे तीनों स्टेट, तीनों कंट्रीज आपकी मिलती है, भारतवर्ष है, नेपाल है, और आपका चाइना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किससे संबंधित है? टूरिज्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? टूरिज्म, पर्यटन से संबंधित है। मिल्क, दूध किसका उदाहरण है? दूध जो है वो आपका इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज एन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपों में पौधे द्वारा उत्पादित एक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर बी बायोमास। क्या है इसका सही उत्तर? क्या है ऑप्शन नंबर बी बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका डेसिबल भी बन सकता है, ठीक है, कि जो है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ऐसे इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है, 40 डेसिबल। कितना है? 40 डेसिबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गॉड पार्टिकल जो है हिंग्स बोसोन, ठीक है, क्या हिंग्स बोसोन दो आपके साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर जो है गॉड पार्टिकल आपका इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियन स्पेस कांग्रेस वॉज हेल्ड, ठीक है, कहां पर हुआ था ये आपका जो है 2022 में जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़, ठीक है, गरुड़ आपका किसके बीच में होता है? गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांस से भी हमने कुछ समय पहले आपके क्या खरीदे थे? राफेल खरीदा था, ठीक है। रूस के साथ हम क्या बना रहे हैं? रूस के साथ हम आपका ब्रह्मोस बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या चलता है? इन जुलाई 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग पे पैरिटी ऑफ इट्स मेल एंड फीमेल, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने जो है अपनी महिला और जो पुरुष क्रिकेटर हैं उनमें वेतन में समानता लाने वाला पहला देश जो है न्यूजीलैंड बना है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, लोकतंत्र के स्वर जो है बुक टाइटल वो आपका किसने आपका है? ये है रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद उनका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Who was elected as the president of Brazil in 2022? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म माइक्रो सिंचाई का नहीं है? ओके, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका फ्लड इरिगेशन है, बाढ़ सिंचाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति ऊनी वस्त्रों के उत्पादन में आप आजकल आप कहां रहते हैं? सर्वनाम क्या है इसका? सर्वनाम आपका जो है, इसका सर्वनाम आपका है ऑप्शन नंबर बी आप। क्या है? आप। अगला क्वेश्चन, क्रिया या करने का बोध हो तो वो आपका है क्रिया, ठीक है, किसी कार्य के होने का बोध हो तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्रिया। यह जैसे तैसे पूरा कर लिया गया, ठीक है, मतलब रिजल्ट आ गया तो परिमाण बोधक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परिमाण बोधक, परिणाम बोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भाषा व्यवहार में जो लिंग वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी अवयव। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिस वाक्य में क्रिया व्यापार के संचालक पर बल दिया जाता है उसे आपका क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कर्तवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तवाच्य। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गए। हम आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।